भोपाल से बड़ी खबर आ रही है, पेपर लीक पर सख्त कानून। मध्य प्रदेश सरकार सख्त कानून ला रही है और पेपर लीक पर 1 करोड़ का जुर्माना होगा। दोषी पर 1 करोड़ का जुर्माना, 10 साल की जेल की सजा, सभी तरह की गड़बड़ियां गैर जमानती होंगी। आरोपी की प्रॉपर्टी अटैच की जाएगी और कार्रवाई होगी। परीक्षण के लिए विधि विभाग को ड्राफ्ट भेज दिया गया है। मौजूदा सत्र में कानून लाने की तैयारी में सरकार है। अध्यादेश के जरिए कानून लागू करने की भी तैयारी है। शिक्षा विभाग को एक्ट प्रारूप बनाने का जिम्मा दिया गया है। आपको बता दें कि कुछ ऐसे भी राज्य हैं जहां पर सरकार की तरफ से पेपर लीक मामले में सख्त कानून बनाए गए हैं, उनमें उत्तराखंड भी शामिल है और अब मध्य प्रदेश भी इस लिस्ट में आ जाएगा। और मध्य प्रदेश में भी सरकार एक कड़े कानून को लाने की तैयारी में है। शैलेंद्र हमारे साथ संवाददाता जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, काफी बड़ा कदम हम इसे कह सकते हैं, वो भी तब जब विरोध के सुर उठ रहे हैं नीट को लेकर। देखिए अंशिका, बिल्कुल नीट का मामला देश में तूल पकड़ चुका है और उसके बाद केंद्र सरकार पेपर लीक को लेकर एक अपना कानून जारी कर चुकी है। उसी तरह राज्यों को भी अपने अपने कानून लाना पड़ेंगे। अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए, उत्तराखंड की बात की जाए, वहाँ प्रक्रिया शुरू है, उत्तर प्रदेश में ला चुका। मध्य प्रदेश सरकार भी पेपर लीक को लेकर काफ़ी सख्त कदम उठाने जा रही है और इसको लेकर पहली बार ऐसा अध्यादेश लाया जाएगा जिसमें अगर मध्य प्रदेश में पेपर लीक होता है, जो मध्य प्रदेश की व्यावसायिक परीक्षाएँ होती है या मध्य प्रदेश के जो जनरल परीक्षाएँ होती है, उसमें इस तरह की अगर गड़बड़ी होगी तो एक सीधे 1 करोड़ का जुर्माना, इसके अलावा 10 साल की सजा और गैर जमानती जो सजा होगी, मतलब इसमें किसी को जमानत तक नहीं दी जाएगी। तो इस तरह का एक सख्त कानून का ड्राफ्ट नियमों का बना लिया गया है, उसे लागू करने की प्रक्रिया स्कूल शिक्षा विभाग ने इस ड्राफ्ट को अब विधि विभाग को भेजा। विधि विभाग इसको अंतिम मंजूरी देगा और उसके बाद राज्य सरकार इसको अध्यादेश के रूप में लागू करेगी। तो निश्चित ही एक कानून कड़ा होगा और इसके बाद अगर कोई भी गड़बड़ करता है, पेपर लीक होता है, तो दोषी बचे नहीं जा सकेंगे। जिम्मेदारी तय होगी, अफसरों की जिम्मेदारी तय होगी। हर तरीके से एक लीक प्रूफ चीज को बनाया जा रहा है ताकि गड़बड़ ना हो। शैलेंद्र, मौजूदा विधानसभा के सत्र में भी इसे कहा जा रहा है कि लाया जाएगा और अध्यादेश के रूप में ही लागू कर दिया जाएगा, तो क्या इस बारे में कोई जानकारी है आपके पास? देखिए, विधानसभा का जो मानसून सत्र है वो 1 जुलाई से शुरू होने वाला है, तो निश्चित ही इस सत्र में इसको पेश किया जाएगा और उसके बाद इसको अध्यादेश के रूप में लागू किया जाएगा। तो ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले 2 सप्ताह के भीतर मध्य प्रदेश में भी पेपर लीक को लेकर जो कड़ा कानून, जो अध्यादेश है, वो लागू हो जाएगा। वाकई में, और ये बहुत बड़ी बात है। जैसे कि आप बता भी रहे थे कि कुछ राज्यों को जो है ये सुनिश्चित करना होगा कि इस तरह की चीटिंग ना हो और जो चीटिंग करवा रहे हैं उन पर भी कार्रवाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है सरकार की तरफ से, उनमें किन चीज़ों को शामिल किया गया है शैलेंद्र, और इससे जो बच्चे एग्जाम देंगे उन पर कितना असर पड़ेगा? देखिए, जो ये ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है, स्कूल शिक्षा विभाग ने तैयार किया है, तो इसमें सबसे बड़ी बात है कि कोई भी परीक्षा, वो मध्य प्रदेश की जो बोर्ड की परीक्षाएं होती है या व्यावसायिक परीक्षाएं, जो कि पहले जो व्यापम होता था वो कराता है MPSC DC, तो ये जितने भी विभाग हैं ये अपनी परीक्षा कराएंगे, तो उसमें स्पष्ट होगा कि अगर उसका कोई पर्चा बाहर आता है, पेपर लीक होता है, तो उसका जो ड्राफ्ट है उसमें 1 करोड़ का जुर्माना होगा। इसके अलावा ड्राफ्ट में यह भी है कि पेनल्टी लगेगी और उसके साथ ही सजा सबसे महत्वपूर्ण है कि 10 साल की सजा, हालांकि 1 से 10 साल की सजा का प्रावधान रहेगा। तो इन सारे बिंदुओं पर अभी चर्चा होना है, अभी काफी महत्वपूर्ण बिंदु लिए गए हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, आप बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। एक नजर सुपरफास्ट खबरों की ओर। मंदसौर में शिवना नदी में मांस फेंकने पर नाराजगी, हिंदूवादी संगठनों ने नाराजगी जताई है। SP कार्यालय के सामने नारेबाजी की गई और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। जबलपुर के डुमना एयरपोर्ट पर हादसा, ड्रॉप एंड गो जोन में कार पर गिरा शेड, कार का ऊपरी हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त। धमतरी में अतिक्रमण पर एक्शन, सरकारी जमीन को किया गया कब्जा मुक्त, नोटिस देने के बाद भी नहीं हटा गया था कब्जा।
जांजगीर चांपा में अतिक्रमण पर चला प्रशासन का बुलडोजर, स्कूल के आसपास से हटाया गया अतिक्रमण। धार में भोशाला का संपूर्ण सर्वे पूरा, देवी और ब्रह्मा जी की प्रतिमा के मिले अवशेष, आगामी आदेश तक पर्यटकों के लिए बंद रहेगी भोशाला। जशपुर में झोला छाप, डॉक्टर के इलाज से ग्रामीण की मौत, गलत इंजेक्शन लगाने का आरोप, मरीज की मौत के बाद आरोपी डॉक्टर फरार। भिंड में किसान के घर निकला मगरमच्छ, घर वालों ने भागकर बचाई जान। छतरपुर में प्रतिबंधित मांस किया गया जब्त, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने मांस पकड़ा। कोरबा में सुसाइड नोट लिखकर युवती ने की खुदकुशी, ज्वेलर्स की दुकान में काम करती थी युवती, पुलिस ने मामला की जांच शुरू की। कवर्धा में बीएससी फर्स्ट ईयर के छात्र ने फांसी लगाई, परीक्षा में फेल होने पर उठाया खौफनाक कदम। जांजगीर चांपा में पटवारी का रिश्वत मांगते वीडियो वायरल, राशन कार्ड में साइन के लिए पटवारी ने 300 रुपए की रिश्वत मांगी। बिलासपुर में मेगा प्लेसमेंट कैंप का आयोजन, कैंप में बेरोजगार युवक युवतियों की उमड़ी भीड़। बलरामपुर में नई शिक्षा सत्र प्रारंभ होते ही शिक्षकों पर गिरी गाज, नदारद पाए गए 45 शिक्षकों पर कार्रवाई। बुरहानपुर के नेपा नगर में दोस्त ने दोस्त पर चाकू से हमला किया, फैर की बात फैलाने पर किया हमला। नीमच में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का हल्ला बोल, पार्षदों सहित पालिका अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। इंदौर नर्सिंग कॉलेज घोटाला मामले में 9 डॉक्टरों की होगी विभागीय जांच, 15 दिनों के भीतर कार्रवाई की संभावना। बलौदाबाजार में पानी की समस्या से जूझ रहे हैं लोग, हफ्ते भर से नलों में नहीं आ रहा है पानी। गरियाबंद में न्यूज 18 की खबर का असर, मरीज के साथ दुर्व्यवहार करने वाले डॉक्टर का ट्रांसफर किया गया। कंडरा में हत्या के आरोपी का निकाला गया जुलूस, युवती को चाकू मारकर की थी हत्या, पुलिस ने मात्र 7 घंटे में आरोपी को धर दबोचा। बलौदाबाजार में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अवैध महुआ शराब के ठिकानों पर छापेमारी की गई, मौके से लाखों का महुआ बरामद। अंबिकापुर में ट्रक ने युवक को कुचला, तेज रफ्तार ट्रक ने युवक को कुचला, मौके पर युवती की मौत। मनेन्द्रगढ़ में पागल कुत्ते ने मासूम बच्चे को काटा, स्कूल से घर पहुंचा था मासूम। भोपाल में परिवहन विभाग के आदेश पर सियासी बवाल, उमंग सिंघार ने साधा निशाना, कहा चेकपोस्ट पर हो रही है वसूली। ग्वालियर में इनामी बदमाश गिरफ्तार, कंपू पुलिस ने आरोपी का जुलूस निकाला, ट्रैफिक सिपाहियों से मारपीट के आरोप। इंदौर में आबकारी विभाग का एक्शन, जिम संचालक के घर से 11 लाख रुपए और 30 पेटी विदेशी शराब जब्त। टीकमगढ़ के आलमपुरा में 4 साल की बच्ची की हत्या, गांव के पास तालाब में मिला शव। मुरैना में स्टॉप डैम में मछलियों की मौत, फैक्ट्रियों के गंदे पानी के चलते हुई मछलियों की मौत, दिमनी की क्वारी नदी स्टॉप डैम का है मामला। छत्तीसगढ़ कोयला घोटाले में आरोपी सौम्या चौरसिया की जमानत याचिका पर बहस, एडीजे कोर्ट में 1 घंटे चली बहस, कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। बिलासपुर में कार से गोवंश को कुचलने का मामला गरमाया, गौ सेवकों ने एसपी कार्यालय को घेरा, आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग। दंतेवाड़ा में बिजली के तार की चपेट में आने से 3 गोवंश की मौत, जमीन पर टूट कर गिरा था हाई टेंशन तार। दंतेवाड़ा में आईईडी की चपेट में आया ग्रामीण, ब्लास्ट में गंभीर रूप से हुआ था घायल ग्रामीण। मनेन्द्रगढ़ में नाबालिग का अपहरण और दुष्कर्म, अपहरण कर आरोपी ने 6 दिनों तक दुष्कर्म किया। हरदा के छिपानेर रोड पर किसान की गेहूं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी, सड़क पर बिखरा सारा गेहूं। अशोकनगर में बदहाल स्थिति में पशु चिकित्सालय, ड्राइवर और सफाई कर्मी कर रहे हैं इलाज। सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल से कंगना रनौत ने मुलाकात की, संसद भवन में हुई मुलाकात, दोनों सांसदों ने एक दूसरे को बधाई दी। जगदलपुर में बारिश से मौसम हुआ सुहाना, बारिश से किसानों के खिले चेहरे, उमस और गर्मी से लोगों को मिली राहत। रतलाम की जावरा में जोरदार बारिश, भीमाखेड़ी अंडर ब्रिज में पानी भरने से फंसी कार। बलरामपुर में मौसम ने बदली करवट, गरज चमक के साथ हुई झमाझम बारिश। पहली बारिश में जलमग्न हुआ मुरैना, दर्जन भर कॉलोनियों में भरा पानी, धरने पर बैठे लोग। खंडवा में दादाजी दरबार में गुरु पूर्णिमा की तैयारी, 20 जुलाई को मनाई जाएगी गुरु पूर्णिमा। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने की दूसरी गिरफ्तारी, हजारीबाग के स्कूल में छात्रों को जमा करवाने वाले आरोपी मनीष और आशुतोष को गिरफ्तार किया। आबकारी घोटाला केस में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से सीबीआई की विशेष टीम ने 3 चरणों में पूछताछ की तैयारी की, 3 दिन की रिमांड पर है केजरीवाल। अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस का सदस्य बना पराग्वे,
साल 2015 में पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने बनाया था अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस। पाकिस्तान को अमेरिका ने दिया झटका, पाक चुनाव की जांच के लिए अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के पारित किया प्रस्ताव। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में पाकिस्तान के लोकतांत्रिक मानदंडों के खिलाफ 85% वोट हुए, पाकिस्तानी हुकूमत पर जनादेश को नियंत्रित करने की कोशिश का आरोप। श्रीलंका के राष्ट्रपति ने चीन समेत कर्ज देने वाले देशों के साथ ऋण समझौते को सार्वजनिक किया, 2043 तक सभी द्विपक्षीय कर्ज भुगतान करने में सक्षम होगा श्रीलंका। तालिबान ने अफगानिस्तान में नया फरमान जारी किया, शादी समारोह में फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी पर पाबंदी लगाई गई। नॉर्थ कोरिया ने फिर किया मिसाइल टेस्ट, किम जोंग उन ने मल्टीपल वॉरहेड मिसाइल टेक्नोलॉजी का परीक्षण किया। बोलीविया में तख्ता पलट की कोशिश नाकाम, राष्ट्रपति ने नए आर्मी कमांडर को किया नियुक्त। अमेरिका में बाइडेन सरकार का बड़ा फैसला, सेना द्वारा समलैंगिक मामलों में दोषी ठहराए गए दिग्गजों को दी जाएगी माफी। अमिताभ प्रभास, कमल हसन और दीपिका स्टारर फिल्म कल की 2898 एडी रिलीज, बोरिंग फर्स्ट हाफ और ढीले स्क्रीन प्ले को हॉलीवुड लेवल के वीएफएक्स ने बचाया। बिग बी और प्रभास का एक्शन सीक्वेंस जबरदस्त। सोनाक्षी सिन्हा जहीर की पोस्ट वेडिंग डिनर डेट, शादी के बाद पहली बार साथ निकले, परिवार और दोस्तों का मिला साथ। प्रियंका चोपड़ा हुई जख्मी, एक्ट्रेस के पैर में लगी गहरी चोट, हॉलीवुड फिल्म द ब्लफ के सेट पर हुआ हादसा। गोल्ड स्कीम में शिल्पा राज पर लगे धोखाधड़ी के आरोप, वकील ने बयान में कहा मेरे मुवक्किलों ने कोई अपराध नहीं किया। रितेश देशमुख की वेब सीरीज पिल का ट्रेलर आउट, दवा कंपनी की काली करतूतों से उठाती है पर्दा। गोविंदा के इंस्टाग्राम वीडियो को देख भड़के फैंस, गोविंदा को बुरी तरह से किया ट्रोल, वीडियो में एक्टर चर्च में प्रेयर करते नजर आए। आयुष्मान खुराना पत्नी ताहिरा कश्यप की फिल्म शर्मा जी की बेटी को कर रहे प्रमोट, फिल्म स्क्रीनिंग में पहुंचे आयुष्मान। 250 करोड़ की कर्ज की खबरों पर अक्षय कुमार की दरिया दिली, वासु भगनानी को कॉल कर कहा चिंता मत करना, मदद चाहिए तो बताइए। राजनीति के लिए फिल्मों से ब्रेक नहीं लेंगी कंगना रनौत, संसद सत्र के बाद इमरजेंसी का प्रमोशन करेंगे, जल्द कर सकती हैं अगली फिल्म की भी अनाउंसमेंट। शर्मिला ने बहू करीना की फिल्म क्रू पर की बात, बोली फिल्म बेतुकी और समझ से परे थी लेकिन एंटरटेनिंग थी, भरोसा नहीं हुआ कि ये इतनी अच्छी होगी। और अब खबर विस्तार से, दिल्ली की बात करेंगे। एयरपोर्ट हादसे से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है, एयरपोर्ट हादसे में एक शख्स की मौत हो गई है और 8 लोग घायल बताए जा रहे हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। तेज बारिश की वजह से यह हादसा हुआ था और टर्मिनल 1 की जो छत है उसका एक हिस्सा टूटकर नीचे गिर गया था। टर्मिनल 1 से जाने वाले सभी उड़ाने अभी रद्द कर दी गई है। टर्मिनल 1 से जाने वाली उड़ाने दोपहर 2 बजे तक के लिए रद्द की गई है। टर्मिनल 2 और 3 की फ्लाइट समय से उड़ान भरेंगी लेकिन टर्मिनल 1 की जितनी भी फ्लाइट डिपार्चर होनी थी या अराइव होनी थी अभी उन्हें 2 बजे तक के लिए रोक दिया गया है एहतियात के तौर पर और फिर सुरक्षा के लिहाज से। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो पूरा एक छत का हिस्सा है वो कैसे टूट कर गिरा, और कुछ कार आप देखिए जो टैक्सीज होती हैं वो बुरी तरीके से दब चुकी हैं। तो वही कल ही जबलपुर के डुमना एयरपोर्ट में तेज बारिश के चलते एयरपोर्ट के ड्रॉप एंड गो जोन के ऊपर लगा शेड गिर गया था जिसमें कि नीचे खड़े सरकारी वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए थे। गनीमत तो ये रही कि कार में उस वक्त कोई नहीं मौजूद था, जनहानि नहीं हो पाई। इस घटना के बाद एयरपोर्ट में हुए करोड़ों रुपए के निर्माण को कटघरे में खड़ा कर दिया गया है। तो दिल्ली और जबलपुर ये दो ऐसे इलाके जहां पर एयरपोर्ट की क्या स्थिति है अंदाजा लगाया जा सकता है। जबलपुर में भी कुछ ऐसा ही हुआ, जबलपुर में इसके अलावा राजधानी में भी टर्मिनल 1 का जो टिन शेड लगाया जाता है, जो छत होती है टर्मिनल 1 की, वो बुरे तरीके से गिरी। दो तस्वीरें अपने आप में काफी कुछ बयां करती हैं। पब्लिक एरिया है, एयरपोर्ट जैसे एरिया पर अगर इस तरह की लापरवाही होगी तो फिर ये चिंता का विषय है। शंकर आनंद संवाददाता साथ जुड़ गए हैं, शंकर क्या अपडेट इस मामले में?
शंकर की आप तक आवाज पहुंच रही है तो शंकर से संपर्क नहीं हो पा रहा है। और शंकर की आप तक आवाज पहुंच रही है? जी 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 शंकर, क्या आप देख रहे हैं इस मामले में? अगर देखिए दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली वैसे टर्मिनल वन का यह मामला था और ये मामला जो है आज सुबह में 5 से 5:30 बजे के बीच में यह घटना हुई है। हालांकि अगर इस घटना की बात करें तो बेहद दिल को झकझोर देने वाली घटना थी क्योंकि जिस तरह से वहां पे हादसा हुआ था वहां पर कई जो गाड़ियां हैं वो खड़ी थी और उस गाड़ियों में कुछ लोग जो बैठे हुए थे वो उस हादसे के शिकार हुए हैं। और इस मामले में जो औपचारिक तौर पर जो दिल्ली पुलिस और कैसेफ के द्वारा जो जानकारी साझा की गई है उसमें बताया गया है कि 8 लोग जख्मी हुए हैं और एक शख्स की मौत हो गई है। फिलहाल मौके पर नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जो है वो मौके पर पहुंचे हुए हैं, इसके साथ ही सीआईएसएफ और दिल्ली पुलिस के तमाम वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और ये लापरवाही कैसे हुई है इन तमाम मामलों पर विस्तार से तफ्तीश की जा रही है और दमकल की कभी गाड़ियां अभी मौके पर मौजूद है जो कि इन तमाम मामलों पर विस्तार से पड़ताल करने में जुटी है। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि इस मामले में विस्तार से एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी और इस मामले पर ये लापरवाही कैसे हुई है इस मामले पर आगे की कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। तो लेकिन फिलहाल जो कहा जा सकता है जिस तरह से केंद्रीय मंत्री की बात करें या सीआईएसएफ और इसके साथ ही अन्य जो अधिकारी पहुंचे हैं दिल्ली पुलिस के उनके द्वारा इस मामले की पड़ताल की जा रही है कि आखिर हादसे की वजह क्या रही है। हालांकि अगर यहां पर दिल्ली स्थित जो टर्मिनल वन है वहां पर छत का एक हिस्सा जिस तरह से गिरा है वहां पर निर्माण कार्य चल रहा था तो अब दूसरा जो निर्माण कार्य जो चल रहा है वो कार्य भी वो अब जांच के दायरे में आ चुका है जिस मामले पर अब विस्तार से इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा कि दिल्ली एयरपोर्ट का जो निर्माण वाला जो हिस्सा है कहीं उसकी बुनियाद तो कमजोर नहीं है। इस तरह से कह सकते हैं इन तमाम मामलों विस्तार